दोस्तों टाटा पंच जो कि अभी तक पेट्रोल एंड सीएनजी पे आती थी, अब आपको इसमें इलेक्ट्रिक भी मिल जाएगी। जी हाँ, टाटा ने अपनी एक और गाड़ी में 100% इलेक्ट्रिक उतार दिया है। ये है टाटा पंच ईवी, जो कि पेट्रोल से काफ़ी अलग है। यहाँ पे दोस्तों आपको डायमेंशंस भी अलग देखने को मिलते हैं, फीचर्स भी अलग दिए हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ अलग है पेट्रोल गाड़ी से। आज के अपने इस वीडियो में दोस्तों टाटा पंच ईवी के बारे में आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ। कार दुनिया से मैं विनी आपका स्वागत करता हूँ। बात कर रहे हैं दोस्तों जब हम टाटा पंच ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो थोड़ा सा मैं आपको इस गाड़ी के इलेक्ट्रिक के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, टाटा पंच को जो है ईवी पे दो बैटरी पैक बता रहा है, 25 किलोवाट आर एंड 35 किलोवाट आर की बैटरी पैक आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें रेंज भी अलग अलग है। यानी जब आप 25 किलोवाट आर की बैटरी वाला पैक परचेज करेंगे तो आपको सर्टिफाइड रेंज मिलेगी 315 किलोमीटर की। वहीं पे जब हायर बैटरी पैक परचेज करेंगे तो आपको सर्टिफाइड रेंज मिल जाएगी 421 किलोमीटर की। और चार्जिंग टाइम भी दोस्तों 56 मिनट्स मात्र से स्टार्ट होकर यहाँ पर आप 3.5 घंटे में इस गाड़ी को चार्ज कर लेंगे। डिपेंड करेगा आप कौन सा बैटरी पैक परचेज किया हुआ है और किस चार्जर से आप इस गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे 3 चार्जर चॉइस मिलती हैं। एक्सेलरेशन भी दोस्तों बहुत हाई दिया हुआ है, यहाँ पे 13.5 सेकंड से लेके यहाँ पे 9.5 सेकंड में ये गाड़ी 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेगी। मोटर एंड बैटरी पे वारंटी भी काफी अच्छी मिल जाती है, 8 ईयर्स 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दी हुई है मोटर एंड बैटरी पे। वहीं पे व्हीकल में मिलती है 3 ईयर्स 1,25,000 किलोमीटर की। वेरियंट्स की बात करते हैं तो दोस्तों पंच ईवी जो है वो 3 वेरिएंट ऑप्शंस में आ रही है, स्मार्ट, एडवेंचर और एम्पावर्ड, जिसमें फर्दर और भी वेरिएंट्स दिए हुए हैं। तो टोटल वेरिएंट जो हैं इसमें 20 मिल जाते हैं। प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है 10,99,000 एक्स शोरूम से और ये बढ़ते बढ़ते जाती है 15,49,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है आपको ईवी का। चलिए अब बात करते हैं डिज़ाइनिंग की। ये टॉप मोस्ट वेरिएंट एम्पावर्ड प्लस मैं आपको चेक करा रहा हूँ, जिसमें देखिए फ्रंट लुक जो है पंच ईवी का बिल्कुल अलग है। यहाँ पे पेट्रोल जो है गाड़ी से जो ईवी आई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आई है पंच, बिल्कुल डिफरेंट दिखती है। अल्ट्रा मॉडर्न लुक में इस गाड़ी को फ्रंट से बनाया हुआ है। ऊपर साइड देखिए इंडिकेटर्स यहाँ पे सीक्वेंशियल पैटर्न पे आप चेक कर सकते हैं और DRL लाइट्स यहाँ पे कंप्लीट फ्रंट पे दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे अच्छी चीज है, टॉप मोस्ट वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा, जिसमें फ्रंट कैमरे का लेंस आप इस साइड पे चेक कर सकते हैं। बाकी हेडलैम्प्स यहाँ पे LED बेस दिए हुए हैं जो कि प्रोजेक्टर्स पे हैं, और नीचे की तरफ देखिए LED फॉग लैम्प्स है जिसमें कॉर्नरिंग फंक्शन भी देखने को मिलता है। चार्जिंग पॉइंट बता दूँ तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। थोड़ा सा साइड पर चलते हैं और साइड से गाड़ी को कम्प्लीटली दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये है पंच ईवी साइड से, यहाँ पे मैं आपको चेक करा रहा हूँ। इसकी डायमेंशंस पेट्रोल से अलग हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी ये अलग है, इसकी लेंथ अलग है और भी कई डायमेंशंस हैं, मैंने स्क्रीन पे लगा दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। बाकी अगर हम व्हील्स की बात करते हैं तो इसमें देखिए 16 इंच के डायमंड कट आप एलॉय व्हील्स चेक कर सकते हैं। बाकी 360 डिग्री कैमरा है तो इसके जो आउटसाइड मिरर्स हैं उसके ही साइड पर देखिए यहाँ पे कैमरे के लेंस को लगाया गया है। ऊपर साइड पर रूफ रेल्स चेक कर लीजिए, ये डुअल टोन कलर पर मैं आपको गाड़ी चेक करा रहा हूँ, वाइट। एंड टॉप पर देखिए इसका जो रूफ है ये ब्लैक कलर का दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा बैक साइड से, और बैक से आपको इस गाड़ी को दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये है ईवी पंच। फ्रंट इस गाड़ी का काफ़ी अलग है पेट्रोल से, बट अगर आप बैक साइड पे देखेंगे तो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज दिखती हैं पेट्रोल गाड़ी से। अब इस साइड पे देखिए तो रियर वाइपर, डिफॉगर, स्पार्क प्लग, एंटीना आप टॉप पे चेक कर सकते हैं। बैक कैमरे का लेंस जो है वो इस साइड पे दिया हुआ है। पंच को देखिए यहाँ पे ब्लैक लेटर से देखिए लगा हुआ है, पंच ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेंसर्स आप इस तरफ चेक कर लीजिए, और नीचे लोअर बम्पर पे डिज़ाइंस वगैरह देखिए तो थोड़ा सा ये हैवी लुक में इसके बम्पर्स बनाए हैं। इसके प्लेट्स वगैरह देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हैवी डिज़ाइन पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर से दोस्तों मैंने आपको इस गाड़ी को चेक कराया है। इंटीरियर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं टाटा पंच ईवी में। तो सबसे पहले कीज से स्टार्ट करते हैं। हालांकि कीज़ जो है वो टाटा की लगभग सभी गाड़ियों में कुछ इसी तरीके की देखने को मिलती हैं, ये स्मार्ट कीज़ है। और इस साइड पे यहाँ पे एक स्मार्ट एंट्री बटन है, इसको प्रेस करिए गाड़ी लॉक हो जाएगी। आउटसाइड मिरर्स ऑटोमेटिक दिए हुए हैं, लॉक अनलॉक के टाइम पर देखिए ये ओपन क्लोज हो रहे हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की, और थोड़ा सा मैं इग्निशन को पहले यहाँ पर ऑन कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ इसका अंदर का व्यू। तो ये देखिए, ये है पंच ईवी, जितनी खूबसूरत दोस्तों इस गाड़ी को एक्सटीरियर में फ्रंट से बनाया है, क्योंकि इसका फ्रंट थोड़ा सा अलग है, मॉडर्न दिया हुआ है। वैसे अगर आप इंटीरियर चेक करेंगे तो इंटीरियर भी देखिए कितना प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे इस गाड़ी को आप चेक करिए,
सेटिंग्स चेक करिए जो कि यहाँ पे लेदराइट मटेरियल से बनी हुई है। हालांकि फ्रंट की सीटों में इस साइड पे थोड़ा सा आपको फैब्रिक देखने को मिलेगा, बाकी सब इधर भी है लेदराइट मटेरियल का यूज़ है। आगे की जो सीटें हैं ये वेंटिलेटेड दी हुई हैं। देखिए एक छोटी गाड़ी में इलेक्ट्रिक गाड़ी है और यहाँ पे आपको फीचर्स में कोई भी कमी नहीं है। आगे की सीटें भी आप यहाँ पे ठंडी कर सकते हैं, इनके लेवल्स को भी आप इस बटन से सेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो सीटिंग एडजस्टमेंट है वो मैनुअल मिलता है। बाकी विंडोज़ के कंट्रोल्स अगर आप इसके डोर्स पे चेक कर लीजिए, इस साइड पे देखेंगे तो ये हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट ट्रिम का यूज़ नहीं है। बाकी इधर स्पेसेस वगैरह चेक कर लीजिए। इसके अलावा जो पीछे के डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे बैक डोर भी आप देख लीजिए, तो प्रॉपर जितनी भी स्पेसेस की ज़रूरत होती है वो सब आपको इसके डोर्स पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बैक सेटिंग्स चेक करेंगे तो बैक में देखिए प्रीमियम डिज़ाइन वाली सीट्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। ये सब कंप्लीट लेदराइट मटेरियल पे सेटिंग्स दी हुई हैं। और इधर तक देखिए एक आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, हालांकि इसमें कोई भी कप होल्डर प्रोवाइड नहीं किया गया है। इस साइड पे देखिए तो एक डिज़ाइन है, यहाँ पे एक हल्का सा मेटल इंसर्ट किया हुआ है इसकी सीटों को थोड़ा सा और मॉडर्न डिज़ाइन देने के लिए। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट चेक कर सकते हैं। ये सीट 60-40 नहीं है तो पूरी एक बार में ही बेल्ट होती है। अगर हम बैक सेटिंग से बैठ कर देखते हैं क्या कुछ मिलेगा, तो हालांकि ये सीट अभी देखिए मेरी हाइट के हिसाब से सेट नहीं, काफ़ी पीछे, तो पहले मैं ज़रा इसको अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग सेट करूँ फिर आपको पीछे का स्पेस चेक कराऊँगा। तो मेरी हाइट है दोस्तों 5'8" और जैसे मैं ड्राइव करता हूँ अब ये मेरे हिसाब से सेट है। अब चलते हैं ज़रा पीछे की तरफ और अब आपको दिखाते हैं अगर आपकी हाइट मेरी हाइट के आसपास है तो आपको ईवी वाली पंच में कितना लेगरूम मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं लेगरूम को। सीटें देखिए हल्की सी इस हिसाब से डिज़ाइन करी हुई है, मॉडिफाई करी हुई है कि हल्की सी अंदर की तरफ प्रेस्ड है, जिससे यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेटर जो है नी रूम देखने को मिले। और इस साइड पर अगर यहाँ पे इधर की सब बात करते हैं तो सीटें ऊंची हैं जिससे आराम से पैर को अंदर कर पा रहा हूँ। इधर देखिए पॉकेट्स वगैरह भी इस साइड पे प्रोवाइड की गई है। हालांकि रियर एसी वेंट दोस्तों आपको इसमें नहीं मिलेगा। इस साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है। मुझे लगा था शायद यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट होगा, बट इस साइड पर कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है। और ऊपर साइड देख लेते हैं तो यहाँ पे फोल्डिंग टाइप आप ग्रिप्स बैक साइड पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे की सेटिंग्स में मैंने आपको दिखा दिया कितना स्पेस है, कितना कंफर्ट है। डोर्स टाटा की कई गाड़ियों में, इवन पंच पेट्रोल में भी जो है वो 90 डिग्री एंगल ओपन होता है, तो जिससे देखिए एक अंदर बैठना निकलना इस गाड़ी में काफ़ी आराम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए अब जरा बूट की बात करते हैं तो देखते हैं इस गाड़ी का थोड़ा सा बूट स्पेस। तो यहाँ पे दोस्तों 366 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है इलेक्ट्रिक गाड़ी में। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें चार्जर्स हैं, फास्ट चार्जर रखे हुए हैं। ये टॉप मोस्ट वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इधर सारी चीज़ें देख ली हैं। इसका जो स्पेयर व्हील है उधर इधर ही की तरफ रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ कैमरा करके आपको इसका प्लेटफॉर्म चेक करा देते तो देखिए इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। पूरा नीचे से फ्लैट सरफेस है, कोई भी ओपन नहीं दिया हुआ है। इसके बैटरी पैक में IP67 की रेटिंग मिलती है। चलिए इधर साइड पे चेक करने के बाद अब जरा बैठते हैं हम ड्राइविंग सीट में और आपको बाकी फीचर्स दिखाते हैं पंच ईवी टॉप मोस्ट वेरिएंट के। अब देखिए इस साइड पे आप चेक करिए प्रीमियम 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम 10.25 इंच का क्लस्टर। यहाँ पे देखिए इसका जो मीटर है कलरफुल डिस्प्ले के साथ है और म्यूजिक सिस्टम भी कलरफुल है, तो कितना देखिए यहाँ पे खूबसूरत लुक दे रहा है। इवन स्टीयरिंग भी देखिए यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम दिया हुआ है, डुअल टोन लेदर एड मटेरियल पे स्टीयरिंग बना हुआ है। और अगर स्टीयरिंग के इस पार्ट को देखेंगे तो इनफैक्ट टाटा की समय जितनी भी नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही सब में ये इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो है, जो कि देखिए गाड़ी ऑफ तो यहाँ पे आपको वॉइस देखिए वो भी मिल जाएंगे, रिमाइंडर्स वगैरह भी दिए हुए हैं। और मैं जरा इग्निशन को वापस ऑन करता हूँ तो देखिए लोगो वापस से आ गया। ग्लॉसी फिनिश में यहाँ पे स्टीयरिंग आप देख सकते हैं। इस साइड पे देखिए फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है जो कि एडजस्टेबल है, इसे हम कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस साइड पे देखेंगे तो कंट्रोल्स वगैरह आप यहाँ पे देख लीजिए। इस साइड पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के भी दोस्तों बटन्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए पैडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं जो कि रीजन यानी यहाँ पे बैटरी चार्ज करने में ये मदद करते हैं। तो इस साइड पे आपको सारी चीज़ें देख ली हैं। इधर साइड बात करते हैं तो इधर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को प्लेस किया गया है। और इधर साइड देखते हैं तो इसके म्यूजिक सिस्टम पे दोस्तों कई सारे फीचर्स दिए हुए हैं। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दे रखा है, तो अपने फ़ोन को कनेक्ट करके नेविगेशन को चला सकते हैं एप्लीकेशंस के थ्रू। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन नहीं आता, लेकिन हालांकि आपको इसमें एयर प्यूरीफायर ज़रूर इनबिल्ट मिल जाएगा। और भी देखिए कई सारे फीचर्स हैं जैसे कि एलेक्सा इसमें दिया हुआ है, इसमें सीरी सपोर्ट भी है, इसमें गूगल असिस्टेंट भी मिलता है। तो काफ़ी सारे फीचर्स दोस्तों आपको इसके म्यूजिक सिस्टम पे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे AQI यानी
एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बता रहा है, इंटीग्रेटेड एयर प्यूरीफायर भी आपको इसमें मिलेगा। इस साइड पे देखते हैं तो इधर वाला पैनल आप चेक कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत नेक्सॉन जैसा ही दिख रहा है, जो भी लेटेस्ट नेक्सॉन आई है उसमें भी कुछ इसी तरीके के यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, ये लीवर दे रखा है और कई सारी चीज़ें आप यहाँ पे टच पैनल पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसको जरा मैं एसी को ऑफ कर देता हूँ। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी आपको मिलेगा, इसमें टेम्परेचर को बस आपको करना है सेट, यहाँ पे इसका टेम्परेचर शो करता है। ऑटो पे कर दीजिए, मेंटेन रखता है, प्रीमियम फीचर है। इसके अलावा इस साइड पे देखते हैं तो देखिए वायरलेस चार्जर भी दोस्तों आपको इसमें मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ पावर आउट्स वगैरह दे रखे हैं, पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी देखिए इस साइड पे प्रोवाइड किया गया है। और देखिए इधर भी काफ़ी सारे प्रीमियम चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक ऑटो होल्ड वाला फीचर मिल जाएगा। ज्वेल पैटर्न पे देखिए इसका जो है ड्राइविंग लीवर है, यहाँ पे पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, इससे हम इसको बस नॉब को टर्न करा के जो है गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइव मोड्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी ड्राइव मोड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट्स ड्राइव मोड आ गया और इसमें एक सिटी ड्राइव मोड दिया हुआ है। और देखिए जब मैं ड्राइव मोड्स को चेंज कर रहा हूँ, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, जो एम्बियंट मूड लाइट्स हैं उनके कलर्स भी यहाँ पे चेंज कर रहा है। तो काफ़ी चीज़ों को देखिए यहाँ पे ध्यान देके इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। बाकी वाला पैनल देखिए सब ग्लॉसी फिनिश में है, तो काफ़ी प्रीमियम लुक इसको देता है। इस साइड पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा, ओपन करेंगे तो अंदर तक देखिए छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है। और इधर का बॉक्स चेक करा देता हूँ, देखिए इल्यूमिनेटेड यानी अंदर लाइट भी लगी हुई है, और ये कूलिंग फीचर वाला बॉक्स आप इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कई सारे फीचर्स दोस्तों टाटा की पंच ईवी में आए हैं। इनफैक्ट इसका जो ये आईआरवीएम दिया हुआ है, इनसाइड रियर व्यू मिरर है, ये भी इलेक्ट्रोक्रोमिक बेस्ड है, यानी जब इस पर लाइट पड़ेगी तो इसको ऑटोमेटिकली डिम कर देगा। इस फीचर को अगर आप ऑफ भी करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन ऑफ का बटन प्रोवाइड किया गया है। रेन सेंसिंग वाइपर भी दोस्तों आपको इस गाड़ी पर मिल जाएंगे। और इस साइड पर चेक करिए तो यहाँ पर आपको मैप लाइट्स मिल जाएगी, सनरूफ मिलती है जो कि वॉइस असिस्टेड है, यानी वॉइस कंट्रोल से भी हम इसके सनरूफ को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे प्रीमियम फीचर्स दिए हुए हैं टाटा पंच ईवी में। इसके अलावा अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो दोस्तों अगेन सेफ्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे इस गाड़ी पे। देखिए फ्रंट में 2 एयरबैग्स दिए हुए हैं, यहाँ पे चेक करिए तो इसके बी पिलर्स पे कर्टेन एयरबैग्स आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जब सीटें चेक करेंगे तो देखिए इधर भी आपको एयरबैग्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, जितने भी एडवांस सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो सब आपको इस गाड़ी पे मिलेंगे। तो ये है दोस्तों टाटा पंच ईवी, इसमें मिलते हैं कई हाई एंड फीचर्स। हाँ, अब दिखाते हैं आपको जरा 360 डिग्री कैमरे का व्यू भी चेक करा देता हूँ। तो उसको ऑन करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इस साइड पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सराउंड व्यू। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 360 डिग्री कैमरा है, तो चारों तरफ का व्यू यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें 2D एंड 3D व्यूज़ में हम इसको स्विच कर सकते हैं और जो है सराउंडिंग्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत ही देखिए यहाँ पे प्रीमियम फीचर है और बहुत ही कह लीजिए अच्छा फीचर है। टाइट सिचुएशन पे गाड़ी को पार्क करना काफ़ी इजी है इस 360 डिग्री कैमरा से। इतनी नहीं, जब मैं इंडिकेटर्स दूंगा तो यहाँ पे ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी है। राइट साइड का इंडिकेटर दिया, राइट साइड का कैमरा ऑन होकर राइट व्यू दिखा रहा है, और लेफ्ट साइड के इंडिकेटर पे देखिए लेफ्ट साइड का कैमरा ऑन करके लेफ्ट तरफ का व्यू दिखा रहा है। तो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और सराउंड व्यू मॉनिटर जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर भी दोस्तों टाटा पंच ईवी में मिल जाते हैं। तो ये है दोस्तों नए ज़माने की नई गाड़ी, कम रेंज में टॉप क्लास वाले फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, अच्छी रेंज मिल जाती है, बढ़िया लुक दिया हुआ है, फुल सेफ्टी है टाटा वाली। तो कैसी लगी टाटा पंच ईवी हमें बताइएगा, हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं ये बताइएगा दोस्तों। अगर पसंद आते हैं, ऐसे और वीडियोस चेक करना चाहते हैं, गाड़ियों के नॉलेज चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जैसे ही कोई मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो जाने से पहले कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।